सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु से तरक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आप सोच रहे होंगे कि ये तो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा जो चलचित्र है अग्निपथ का एक अंश है। जी हाँ, ये अमिताभ बच्चन जी के जो फिल्म थी अग्निपथ, उसका एक अंश है। लेकिन ये उनके पिताजी महान काव्यकार हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित अग्निपथ काव्य का एक अंश है। हरिवंश राय बच्चन जी छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वे एक उच्च कोटि के कवि थे। उनकी अनुपम काव्य शैली वर्तमान समय में भी हर आयु के लोगों के मन को प्रभावित करता है। उनका जन्म सन 1907, 27 नवंबर सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। उनकी अंग्रेजी की उच्च शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। वे विदेश विभाग में हिंदी सलाहकार भी रह चुके हैं। उनकी कविताओं में जीवन का तथा जीने के लिए किए जाने वाले नाना कार्य का वर्णन हुआ है। उन्होंने जीवन को अत्यंत महत्व दिया है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मधुशाला, जो आज भी श्रोताओं के मन को मोह रही है, तेरा हार, मधुबाला, मधुकलश, आत्मपरिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, अंतर आदि हैं। उनके द्वारा रचित दो चट्टानों के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया था। सन 1976 में उन्हें पद्मभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। ये जो कविता नीड का निर्माण, इस कविता में उन्होंने जीवन को हर पल को जीने की प्रेरणा दी गई है। विपत्तियों में निडर होकर हम कैसे लड़ते रहेंगे, ये हमें उत्साहित करने के लिए उन्होंने यह कविता नीड का निर्माण का रचना की है। हरिवंश राय बच्चन जी की एक प्रसिद्ध कृति, जो हमारा ये आज का जो कविता है नीड का निर्माण, ये उनके द्वारा प्रसिद्ध एक प्रसिद्ध कृति जिसे हम सतरंगिनी कहते हैं। सतरंगिनी पद जो काव्य उनका था, ये सतरंगीन काव्य के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान में भी सम्मानित किया गया था। इस सतरंगीन काव्य का यह एक पद्य खंड है। ये नीड का निर्माण सतरंगीन काव्य का एक पद्य खंड है। ये विषय इस कविता के जरिए से कवि वचन जी हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी फिर से नए निर्माण की प्रेरणा दी है। मनुष्य को लगातार पुरुषार्थ करने तथा भविष्य के प्रति आशावान बने रहने के लिए वे कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि विपत्तियों में निडर होकर लड़ते रहने के लिए उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें उत्साहित किया है। तो आइए, सतरंगीन काव्य का यह अंश नीड का निर्माण का हम लोग अध्ययन करते हैं। नीड का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर, वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भित जन जन भित कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर फिर, नीड का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। तो बच्चों देखिए,
नीड का निर्माण फिर अर्थात बार बार। नीड अर्थात हम जहाँ रहते हैं, पक्षी घोंसले में रहते हैं, हर एक व्यक्ति की रहने की जगह होती है, घोंसला होता है, तो उसका निर्माण फिर बार बार पुनर्वार करने के लिए कभी आह्वान दे रहे हैं, कभी हमको उत्साहित कर रहे हैं। नेह का आह्वान फिर वे कह रहे हैं, नेह का आह्वान, नेह अर्थात स्नेह, आशा। नेह का अर्थ प्रेम है, स्नेह है, तो जो स्नेह आशा से युक्त होकर नए सृजन कार्य में हमेशा व्यस्त रहने के लिए बुलावा आ रहा है, बार बार ये बुलावा, आह्वान मतलब बुलावा। तो कौन हमें बुलावा कर रहे हैं? जो हमारे सगे संबंधी है, जो हमारे बच्चे हैं, परिवार के दूसरे लोग हैं, उनके प्रति हमारा स्नेह भाव होता है। यहाँ पर रहने के लिए उनको हम लोग, उनको हमारे पास रखने के लिए, हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए हम लोग घरों का निर्माण करते हैं, घोंसले का निर्माण करते हैं। तो जब वो ये घोंसला, वो घर टूट जाता है, उसका निर्माण हम बार बार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह नेह का आह्वान है। नेह का आह्वान क्या होता है? हमारे सगे संबंधी के लिए जो हमारा स्नेह है, तो उसी स्नेह से युक्त होकर, उसी स्नेह आशा को लेकर हम नए सृजन कार्य में व्यस्त होने के लिए बुलावा दे रहे हैं, कभी हमें ललकार रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। प्राणी हो या फिर कोई पक्षी हो, ये इनके अंदर जीने के लिए जो इच्छा शक्ति होती है वो अदम्य होती है, वो बहुत होते हैं। इसीलिए नीड या घर बार बार टूट जाने पर भी पक्षी हो, चाहे नर नारी हो या फिर हम मनुष्य हो, ये हमें बनाते रहने चाहिए। मनुष्य के जीवन में जो आने वाले दुख और संकट होते हैं, उनके लिए, उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारा नीड का निर्माण, हमारा घर का निर्माण बार बार करना चाहिए। यहाँ पर जो आप देखिए, एक अंधेरा शब्द है, वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। जो आंधी शब्द है, ये आंधी शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं, तूफान। तो ये आंधी शब्द कवि ने प्रतीक के रूप में लिया है। किसके प्रतीक के रूप में लिया है? मनुष्य के जीवन में जो दुख और संकट आते रहते हैं, उसके प्रतीक के रूप में उन्होंने आंधी लिया है, यहाँ पर तूफान लिया है। तो ये तूफान आंधी जैसे बिना बताए हमारे प्रकृति में आते हैं, वैसे ही जो दुख और संकट होते हैं, वे भी बिना बताए हमारे मनुष्य में जीवन में आते ही रहते हैं। तो इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं, वह उठी आंधी की नभ में, नभ में अर्थात नभ अर्थात आकाश, गगन में छा गया सहसा अंधेरा। तो आंधी तो बिना बताए आते हैं, जब आंधी आई तो सहसा अचानक अंधेरा छा गया। कहाँ छा गया? आकाश में, गगन में अंधेरा छा गया। धूली दूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। जो बादल होते हैं वो भूमि को, हमारे धरती को, भूमि को, हमारे पृथ्वी माँ को इस भांति, इस प्रकार घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। कैसे? धूली दूसर बादलों ने, बादल कैसे थे? धूल से भरपूर थे। इसका रंग कैसा था? धूसर। तो धूली धूसर बादलों ने हमारे भूमि को इस प्रकार घेर लिया। तो हमारे जीवन में भी बच्चों दुख और संकट क्या करते हैं? हमें घेर लेते हैं, हमारे चारों तरफ से अचानक से ढेर सारे दुख और संकट आ जाते हैं। इसीलिए आंधी जैसे दुख संकट का प्रतीक है, वो अचानक आते हैं, और जैसे बादलों ने भूमि को घेर लिया, वैसे ही ये दुख और संकट हमारे जीवन को भी घेर लेते हैं। तो जैसे आंधी आने के बाद क्या होता है, पहले आइए देखते हैं।
रात सा दिन हो गया, दिन कैसा हो गया, अंधेरे के कारण दिन रात सा लगने लगा, दिन रात सा हो गया। फिर उसके बाद आप सोचिए, दिन रात जैसा हो गया, जब रात आई होगी तो कैसी होगी, जब रात आई और काली तो रात और भी काली हो गई, रात जितनी काली थी, दिन जब रात सा हो गया इस अंधेरे के कारण, इस आंधी के कारण, तो रात और भी काली होकर आई। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा, सवेरा आप जानते हैं सवेरा मतलब सुबह, तो जैसे आंधी दुख और संकट का प्रतीक है, वैसे सवेरा किसका प्रकृत है, तो ये सवेरा कभी आपके सवेरा किसके प्रतीक रूप में लेते हैं, संकट और दुख समाप्त होने की जो आशा होती है हमारे अंदर, जो एक आशा होती है कि कभी ना कभी मेरे पास जो दुख और संकट है वो समाप्त हो जाएंगे, तो सवेरा किसका प्रतीक है, दुख और संकट समाप्त होने के जो आशा है उसके प्रतीक है। तो हमें जब हमारे सामने दुख और संकट अचानक से आ जाते हैं तो हमें लगता है जैसे इनका कभी, ये कभी समाप्त ही नहीं होंगे, जैसे कि आंधी में तूफान में हमें लगता है कि इस निशा का फिर सवेरा ना होगा, अर्थात ये रात कभी खत्म ही नहीं होगी, रात खत्म होगी तभी तो सवेरा आएगा, सुबह आएगा, तो जैसे हमें ये लगता है वैसे ही आंधी दुख और संकट है, सवेरा है ये खत्म होने की आशा, मनुष्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, ऐसा लगता है कि ये जो निशा का फिर सवेरा ना होगा, ये रात फिर खत्म ना होगी, इससे कभी इस दो पंक्तियों के माध्यम से कभी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को लगता है कि मैं पूरी तरह से समाप्त हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, मेरे दुख और संकट कभी समाप्त ही नहीं होंगे। तो रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, भीत मतलब भयभीत होना, तो रात जो ये उत्पात कर रही है, रात में जो ये आंधी के कारण तूफान के कारण जो उत्पात चला है, जो भयंकर दृश्य हो रहे हैं प्रकृति में, जो भयंकर घटनाएं घट रही हैं किसके कारण, आंधी के कारण, कहां कब, रात में, तो हरेक जन हरेक व्यक्ति हरेक मनुष्य भयभीत है, हरेक कोना कण कण मतलब हरेक कोना हरेक अंश प्रकृति का हरेक अंश भयभीत है, क्योंकि हमें लग रहा है जो सूर्य की किरणें हैं ये अंधकार को दूर करके फिर से सवेरे के रूप में नहीं आ पाएगी, लेकिन जो हमारे अंदर उम्मीदों की किरण है, यहाँ पर जो सवेरा है वो आपको दुख और संकट समाप्त होने की प्रतीक है, आशा है, वे कभी यहाँ पर उनको उम्मीद की किरणों के रूप में आपके सम्मुख रखा है। ये उम्मीद की किरणें हमें कहती हैं कि जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही हमारे मुसीबत और दुख के जो बादल हैं वे कितने भी चाहे बड़े हों, एक समय बाद जो भाग्य पुरुष है वो इसे फिर से दूर कर देगा, ऐसा एक अवसर आएगा, जैसे रात में हम लोग सवेरे का वो अवसर का हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, वो ऐसा एक अवसर आएगा जिस अवसर में भाग्य पुरुष हमारे पास जो मुसीबत और दुख है उसे, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, उसे वो दूर कर देगा, इस मुसीबत को दूर कर देगा। तो कभी यहाँ पर जो भीत जनजन उन्होंने लिखा है उसके माध्यम से क्या कर रहे हैं कि हम भयभीत हैं, क्यों भयभीत हैं, कि इस दुख और मुसीबत के कारण हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो डगमगा गया है, वो नष्ट हो गया है, तो हमारा आत्मविश्वास जो डगमगा गया है तो हमारे अंदर कभी उम्मीद के किरण के माध्यम से, किसके उम्मीद के किरण के माध्यम से, इसके अगले पंक्ति को आप देखिए, प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, मोहिनी मतलब आकर्षक, मोह लेना वाला, मृदु हास, मुस्कान अर्थात मृदु हास, हम लोग जो धीरे धीरे जो हंसते हैं उसे क्या कहते हैं, मृदु हास या मुस्कान, वो कैसा है,
मोहिनी आकर्षक मोह लेने वाला जो मुस्कान है, कौन सी प्राची पूर्व की दिशा से उषा की जो पहली सुबह होता है, सूर्य की जो पहली किरण होता है उसे उषा कहा जाता है। जैसे पूर्व दिशा से जब उषा सूर्य की पहली किरण जो कि बहुत ही मोह लेने वाली होती है उसे कभी सूर्य की मुस्कान बताते हैं, वो जैसे बार बार हर रात के बाद आता ही रहता है। इसी तरह इसके इसका प्रतीक क्या है कि प्राची से उषा की जो मोहिनी मुस्कान है वो उम्मीदों की किरण की प्रतीक है। जैसे सूर्य की किरण अंधकार को दूर कर देता है वैसे ही ये उम्मीद की किरण हमारे अंदर, जो उम्मीद की किरण जो आशाएं हैं वे हमें क्या करते हैं, आत्मविश्वास जगाते हैं कि एक दिन एक समय के बाद हमारा ये सारे मुसीबतें दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। यहाँ पर कभी नीड़ के प्रतीक के रूप में, नीड़ को यहाँ पर कभी ये प्रतीक के रूप में प्रयोग करके किसके रूप में, जो हमारे जो हम जो घर निर्माण करते हैं उसके प्रतीक के रूप में कभी कहते हैं, मनुष्य जब कोई चीज करने या पाने की कोशिश करता है तो बीच में कई बार उसके पास रुकावटें आती ही रहते हैं, वो डरकर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है। लेकिन कभी कहते हैं जैसे हम लोग पशु पक्षी या हम लोग हमारे नीड़ का निर्माण बार बार करते हैं तो उसी से आप ये शिक्षा लीजिए कि हमें डरकर या हार कर किसी रुकावट के कारण, किसी दुख या संकट के कारण हमारे लक्ष्य को ना छोड़कर बार बार प्रयत्न करना चाहिए कि हम कैसे वह लक्ष्य पर पहुंच जाए। पृथ्वी पर बार बार विपत्तियां आती रहती हैं जैसे आंधी तूफान, तो कभी कहते हैं कि कभी विपत्ति भयानक होती है तो हमें क्या लगता है कि जैसे दिन में रात सा अंधेरा हो जाता है तो हमारे जीवन में वह अंधेरा हमें बहुत ही, वह दुख हमें बहुत ही बड़ा लगता है। तो हमें जैसे पूर्व दिशा से हस्ती हुई उषा रानी आती है और सबके अंदर अंधकार दूर करने की उम्मीद जगाती है, वैसे ही हम हमारे अंदर नए जीवन के लिए ये प्रेरणा लेते रहना चाहिए कि ये जो भयंकर दुख है उसके बाद यह सुख इस किरणों की तरह, इस मोहिनी उषा की तरह हमारे जीवन में बार बार आएगी। और ये क्या है, स्नेह और प्रेम का आह्वान है। तो बच्चों इस पहले भाग में हमने कभी हमें जो बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर हम हमेशा आशा को जगाए रखना चाहिए, उम्मीदों की किरणों को जगाए रखना चाहिए, ये वो बताना चाहते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।